अब सासाराम में भी लोग पाइपलाइन से गैस का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि रोहतास जिला के सासाराम में देश के प्रधानमंत्री द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर आज इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह की जानकारियां दिया। इससे अहम बात यह है कि अब जिले के लोगों को सीधे पाइपलाइन से घरेलू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान इंडियन ऑयल के बिहार स्टेट के डीजीएम अभिषेक शर्मा, सीजीएम एसके पी सिंह के अलावे चीफ मैनेजर लेफ्टिनेंट कुमार मुकेश रंजन ने बताया कि 22 नवंबर को बिहार के 3 जिलों में सिटी वितरण की घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना अब पूरा होने लगा है। इस तरह के काम से अब सीधे घरों में गैस की सप्लाई हो सकेगी। इससे रोहतास सहित कैमूर के अलावे औरंगाबाद के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस घरेलू गैस से तो अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल में तकरीबन हमारा 60% का हमें फायदा है, लोगों को कंज्यूमर को ये सस्ता होगा, 60% सस्ता होगा। डीजल के लिए तकरीबन ये 45% सस्ता होगा। और अगर हम एलपीजी से अगर तुलना करें, डोमेस्टिक एलपीजी से जो सब्सिडाइज है, ये उसके तुलना में 40% सस्ता होगा। तो अगर आप देखें जो 60% 45% 40% बहुत ही साइजेबल मतलब बचत होती है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बचत होती है कि आज के दिन में आप देखेंगे जो पेट्रोल भराने डीजल भराने में काफी पैसे लोगों को निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है घरों में भी गैस मिलना शुरू हो जाएगा पाइप के थ्रू। सर ये कितना सस्ता होगा, मान लेते हैं सीएनजी है, आप पीएनजी देने की बात कर रहे हैं? जी मैं बताता हूँ, अगर इसको बेसिकली जो सीएनजी और पीएनजी है ये तीन चीज के बदले हम यूज कर सकते हैं। एक पेट्रोल की गाड़ी भी सीएनजी से चलती है, डीजल की गाड़ी सीएनजी से चलती है, और एलपीजी के बदले हम पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस है उसके थ्रू हम सीएनजी को हम यूज कर जो गैस नेचुरल